आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज, देश का साथ दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ ये चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। थाना अध्यक्षों की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों को असलाह का प्रशिक्षण कराया गया। सेफ फ्यूल बर्न कैलोरीज, पैडल फॉर ग्रीन कानपुर कार्यक्रम हुआ सफल। पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात माह नवम्बर सन 2020 के समापन पर सम्मान समारोह हुआ आयोजित। पीड़ित के साथ हुए दुष्कर्म मामले में दो आरोपी हुए गिरफ्तार। कानपुर नगर में चालान कर निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। कन्नौज के सौरिख में एक अध्यापक की हुई हत्या। कार्तिक पूर्णिमा पर सहस्त्र दीपों का प्रज्वलन कर देव दिवाली मनाई गई। हिसार से पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना प्रभारी थाना अध्यक्षों की मौजूदगी में पुलिस कर्मियों को असलाह का प्रशिक्षण कराया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा दंगा नियंत्रण उपकरण, शस्त्र, गैस सेल्स, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर इत्यादि की साफ सफाई भी कराई गई। सेफ फ्यूल बर्न कैलोरीज, पैडल फॉर ग्रीन कानपुर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से साइकिलिंग को बढ़ावा देने हेतु KSCL द्वारा साइकिल अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा के निर्देशन में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित तथा प्रभावी बनाए रखने हेतु जनपद के समस्त थानों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस पुलिस द्वारा दिनांक 30/11/2020 को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में यातायात माह नवम्बर सन 2020 के समापन पर सम्मान समारोह के कार्यक्रम आयोजन कर विद्यालयी छात्र छात्राओं, पुलिस कर्मियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। 28/29 की रात्रि में हुआ था दुष्कर्म। पीड़ित की मां ने 28/29 की रात के बाद एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में थाना चकेरी में गुमशुदगी के अंतर्गत धारा 363 IPC पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उक्त बालिका की बरामदगी के बाद उपरांत उसके साथ चार अभियुक्त गणों ने दुष्कर्म की बात आई सामने, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दो को गिरफ्तारी जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक पूर्वी से। आज दिनांक 28/29/2020 की रात्रि में एक महिला के द्वारा थाना क्षेत्र जकेरी में अपनी बेटी की गुमशुदगी धारा 363 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी। उक्त बालिका के बरामदगी के उपरांत उसके द्वारा चार अभियुक्त गणों के द्वारा उसको नशीला पेय पिलाने के उपरांत सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई गई, जिसके कारण अभियुक्त को धारा 363 के साथ साथ 376D, 342 और 328 IPC के साथ साथ पॉस्को एक्ट में तरमीम किया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त के दो अभियुक्त गण राहुल सोनकर और मिथुन सोनकर को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष दो अभियुक्त विक्की राजपूत और साहिल वाल्मीकि के परिवारजनों से दो व्यक्तियों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। बालिका का चिकित्सीय उपचार करने के उपरांत जो है आवश्यक विधिक रही अमल में लाई जा रही है। थैंक यू। कीमती फिर भी जनता है लापरवाह, जिसके चलते कानपुर नगर में DIG SSP के निर्देशन में ट्रैफिक मंथ उत्तर प्रदेश पुलिस के समापन समारोह के अवसर पर श्री बसंतलाल SP ट्रैफिक द्वारा बड़ा चौराहे पर बिना हेलमेट चलाते वाहन चालकों के चालान कर दिए गए, साथ ही उन्हें निशुल्क हेलमेट भी वितरित किया गया। हरदोई जिले में अभी एक अध्यापिका की हुई थी हत्या, वैसे ही एक घटना कन्नौज के थाना क्षेत्र सौरिख में एक अध्यापक की हत्या के संबंध में थाना स्थानीय ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसमें सीमा पाल की हुई गिरफ्तारी के संबंध में क्या कहते हैं कन्नौज अधीक्षक, आइए जानते हैं। ये सौरिख थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक की हत्या हो गई थी। उनका शव उन्हीं के कमरे में मिला था और उनके पिताजी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें उनकी पत्नी और तीन अन्य लोगों को नामित किया गया था। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई और उसमें स्मोदरिंग की वजह से उसकी डेथ हुई थी और जो चोट वगैरह के निशान थे वो होमिसाइडल थे।
मतलब वो ऐसे चोट के निशान नहीं थे जो गिरने से आते हों। तो इसके बाद फिर उसमें और आगे भी विवेचना की गई है, उसमें दो अभियुक्त, उनकी पत्नी सीमा पाल और एक और मनोज है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सर, इस मामले में कुछ पता चला है कि पत्नी ने उस आखिर अपने ही पति की हत्या क्यों की? देखिए, इनके रिश्तों में काफ़ी भटकाव था, और एक तरफ तो पत्नी ये शक करती थी कि उनका पति जो है वो कई महिलाओं से संबंध रखे हुए है, और उसके रिश्ते की एक भाभी हैं जो अनुदेशक हैं शिक्षा विभाग में, तो उनको भी मदद करती थी, तो एक एंगल ये भी है। और दूसरा है कि करीब 3 महीने पहले उनकी पत्नी जो है वो चली गई थी, एक उनका ड्राइवर है दूर का रिश्तेदार उसी के साथ, और अपनी ज़मीन वगैरह भी उसको वसीयत कर दी थी। बाद में फिर परिवार के हस्तक्षेप से वो ज़मीन वसीयत कैंसिल करा करके, और जो प्रॉपर्टी थी सीमा पाल के नाम से, अध्यापक की प्रॉपर्टी थी लेकिन पत्नी के नाम से लिया हुआ था, तो वो मकान वगैरह उसको फिर से सीमा पाल की जो बच्चियां उनके नाम कराया गया था। तो इस तरीके से संपत्ति का भी अंगील था और आसनाई का भी अंगील था। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सहस्त्र दीपों का प्रज्वलन कर देव दिवाली भी मनाई जाती है। विष्णुपुरी मुक्तेश्वर धाम में आयोजित हुई यह दिवाली, जिस पर जानकारी देते हुए कथा प्रवक्ता आचार्य ओम हरि सारस्वत वेद विद्यालय मुक्तेश्वर मंदिर विष्णुपुरी, आइए जानते हैं उनसे। कल कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इस पावन अवसर पर देवालयों में, मंदिरों में, आश्रमों में, मठों में भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान नारायण की पूजा का कार्यक्रम रखा जाता है। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ सारस्वत वेद विद्यालय मुक्तेश्वर मंदिर विष्णुपुरी में माताओं के द्वारा भगवान श्री हरि नारायण के पाद पद्मों में 1000 तुलसी पत्र अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया है। कल शाम को 5 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और 1000 तुलसी पत्र अर्पित करने के उपरांत भगवान की दिव्य आरती होगी और दीपदान होगा। कल के ही त्योहार में, कल के पर्व में एक बात और है कि समस्त भारतीय देव दीपावली का पावन अवसर मनाते हैं, तो सारा मंदिर दीपों से प्रकाशित होगा, उजागर होगा। इस पावन अवसर पर आप सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारें। धन्यवाद।